फ्रेंड्स कैसे आप देख रहे हैं JD एजुकेशन यूट्यूब चैनल, आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। आज हम साइंस में देखेंगे ब्लड ग्रुप की रुधिर वर्ग क्या होता है और रुधिर वर्ग के खोज से क्या फ़ायदा हुआ है और रुधिर वर्ग का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इन्होंने 1868 से 1943 में बीच में किया था। जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। और ब्लड कितने प्रकार के पाए जाते हैं? ब्लड पाए जाते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? चार प्रकार के पाए जाते हैं। और हम आप जानते हैं कि ब्लड कोई घायल हो जाता है, बीमार होता है या कमज़ोर हो जाता है, उसको ब्लड अलग से चढ़ाया जाता है। तो ब्लड अलग से चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? समान ग्रुप का ब्लड होना आवश्यक है। यदि समान ग्रुप का ब्लड नहीं है तो असमान ग्रुप का होगा तो क्या होगा? वो बॉडी में जा करके थक्का बना देगा, और जो थक्का बन जाएगा तो उससे क्या हो सकता है? आदमी का मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप की खोज के बाद आसान हो गया और इस चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो हम सब लोग देखते हैं कि रुधिर वर्ग क्या है। रुधिर वर्ग बताया गया कि सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने 1868 से 1943 नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, लॉर्ड कर्न स्टीनर ने। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। इन्होंने बताया था रुधिर देने वाले व लेने वाले व्यक्तिकारक क्या होना चाहिए? वर्ग समान होना चाहिए, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यद दोनों के रुधिर वर्ग समान नहीं हैं, यद दोनों के रुधिर वर्ग क्या है? समान नहीं है, तो रक्त देने वाला, उसको डोनर या दाता कहते हैं, का रक्त लेने वाले ग्राही के रक्त में पहुंचकर रुधिर का थक्का बना देता है। रुधिर का क्या करता है? थक्का बना देता है। इस थक्का बनने के कारण से क्या होता है? इसके कारण से रुधिर प्रवाह रुक जाता है, यानी कि जब थक्का बन जाएगा तो रुधिर का प्रवाह रुक जाएगा। इस अवस्था में ग्राही की मृत्यु भी हो जाती है, यानी ग्राही मतलब जो ब्लड लिया हुआ है उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु होने की संभावना होती। फिर आता है कि मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ कौन कौन से होते हैं? प्रतिजन व प्रतिरक्षी होती हैं, जिसे एंटीबॉडीज और एंटीजन कहते हैं। प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं। प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं की जीवकला की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं, यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं उनके जीवकला के बाहरी सतह पर प्रतिजन स्थित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं प्रतिजन, जिसे ए तथा प्रतिजन बी कहते हैं। प्रतिजन के लिए बड़ा अक्षर ए तथा बी संकेत प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसे कैपिटल लेटर्स के ए तथा बी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रतिजन कहते हैं। इसी प्रकार से प्रतिरक्षी रुधिर जो होता है, प्रतिरक्षी रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी रुधिर कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी ए तथा प्रतिरक्षी बी, यानी कि इनको स्मॉल लेटर यानी कि छोटे अक्षरों से संकेत के रूप में प्रयोग किया जाते हैं। इन्हें छोटे अक्षरों के स्मॉल लेटर ए और बी के रूप में प्रयोग किया जाता है। खोजों के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने लाल रुधिर कणिकाओं के पाए जाने प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को चार वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा है? चार वर्गों में बांटा है, ए बी ए बी तथा ओ, ए बी ए बी तथा ओ। फिर इसके बाद आता है कि क्रम संख्या रुधिर वर्ग, प्रतिजन एंटीजन और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, यानी कि जो ब्लड होता है, जो रुधिर वर्ग ए पाया जाता है उसमें प्रतिजन यानी एंटीजन ए होता है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होती है? स्मॉल बी होती है। इसी प्रकार से बी रुधिर वर्ग बी वाले का प्रतिजन क्या होगा? बी होगा, और एंटीरक्षी एंटीबॉडी क्या होगा? स्मॉल ए। इसी प्रकार से तीसरा ग्रुप है ए बी। तीसरा ग्रुप क्या है? ए बी है। ए बी में ए और बी एंटीजन पाया जाता है, और प्रतिरक्षी क्या पाया जाता है? कोई नहीं पाया जाता, यानी कि जो इसमें प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होती है
कुछ नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है ओ, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, रुधिर वर्ग होता है, इसमें प्रतिजन यानी कि एंटीजन कोई नहीं होता है और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी ए तथा बी यानी कि स्मॉल ए और बी होता है। फिर इसके बाद बताया गया कि रुधिर के थक्के जमने के समान जमना अभिश्लेषण तभी होता है, कब होता है, प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी स्मॉल ए साथ साथ उपस्थित हों, यानी कि कैपिटल ए यानी कि प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी स्मॉल ए साथ साथ उपस्थित होता है, अथवा प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी बी एक साथ उपस्थित हो, इनके ही अभिश्लेषण के कारण कोशिकाएं वाहिनी अवरुद्ध हो जाती हैं। वाहिनी क्या होती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं तथा रक्त का बहाव रुक जाता, रक्त का बहाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जब थक्का बन जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, रक्तग्राही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और रुधिर वर्ग का महत्व, यानी कि रुधिर वर्ग की खोज होने के बाद से इसका महत्व क्या हुआ, रुधिर वर्ग की खोज के बाद क्या हो गया कि रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसा महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए यानी कि वरदान साबित हुआ। किसी के चोट लग गई है, किसी की मृत्यु होने वाली यानी कि खून की कमी हो गई है, तो हम सब एक दूसरे को ब्लड दे करके क्या कर सकते हैं, उसकी जीवन को बचा सकते हैं। फिर आता है कि इसमें आपको तथा जरूरतमंद बीमारों को रक्त बैंक को यानी कि ब्लड बैंक बने होते हैं, वहाँ से भी रक्त मिल जाता है और रुधिर वर्ग की जानकारी से चिकित्सा में भी सहायता मिलती है। जब इस प्रकार की चीज़ों से हमें ज्ञान होता है और रुधिर वर्ग के हमें फायदे हैं और इस प्रकार से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है और सुधारा जा सकता है, यदि कमी है या शरीर में क्या होता है, ब्लड डोनेट करके हम एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये लेक्चर आज यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।